हम सब लोग यहाँ वाला साहब को याद कर रहे हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मानुष हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। आज ये हम लोगों का वर्षानुवर्ष सौभाग्य रहा कि हमें ऐसे दैविक और दिव्य व्यक्ति की सेवा के अवसर मिले और मैं आदरणीय स्मिता ठाकरे जी का धन्यवाद देता हूँ कि मैंने जो सेवा की आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की वो मुझे अवसर प्रदान जो किया वो आपकी वजह से हुआ। मैं सिर्फ शब्दों में आप इस रिश्ते के लिए या विषय में कभी नहीं कह पाएंगे। ये जो एक एहसास है इस एहसास के लिए शब्द काफी नहीं हुआ करते। जो लोग दैविक दिव्य आत्मा है जिस नाम की सीढ़ी से पीढ़ियां आगे निकलती है और जिसका ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता, जो लोग साथ दे दे या आप पे आशीर्वाद कर दे तो इस देश में इस राज्य में कई ऐसे नेता हैं जो लोग आपकी वजह से सीएम हुए, राज्य कर पाए। और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी मेरे साथ मुझ पे ऊपर वाले ने बड़ी कृपा की हुई थी कि ये फिल्मी हीरो वाले रिश्ते नहीं थे, हम लोग थोड़ा उससे बियॉन्ड थे। जिस वक्त मैं सेवा प्रदान कर रहा था मैंने दो फिल्में की, पहली हसीना मान जाएगी जो सुपरहिट रही और सेकंड जो फिल्म थी सैंडविच, उस फिल्म की तारीफ कई कलाकार जो है वो लोगों के अल्फाज नहीं आते मुंह में, ऐसी तारीफ किया करते हैं कि मैं कैसे कहूं। मैं ये कह रहा था कि ये सब तब हुआ करता है जिस वक्त माँ बाप तुल्य जो लोग हुआ करते हैं वो माँ बाप की तरह आपका ख्याल किया करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि एक जगह मिल गई है, एक कमाल की एक ईश्वर ने स्थान दे दिया है तो आप जो कह दे रहे हो, ऐसा कभी नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जो महाराष्ट्र की ताक है उस ताक को पूरी दुनिया तक किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे। यथा नाम तथा गुण जिसे कहते हैं, माँ बाप की सेवा किए हुए, बच्चों का ख्याल करते हुए, राज्य में राज्य ऐसे करते हुए जैसे कि किसी पद की कभी आवश्यकता नहीं रही। अविश्वसनीय रूप के साथ आपका जो वर्षानुवर्ष किरदार रहा है मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो सदैव कृपा रही वो हम लोगों के घर परिवार पर रहे और आप लोग के साथ जो हम लोग के संबंध है वो वर्षानुवर्ष ऐसे ही रहे और ऐसे कई सेवाएं लोग इससे समझे कि पद मिल जाए या जगह मिल जाए या दिव्यता मिल जाए। तो हर गरीबी के तबके से आए हुए जो कलाकार हैं वो लोगों का ख्याल कैसे किया जाता है, वो आदरणीय बाला साहब ठाकरे थे और बहुत इज्जत दिया करते थे, कभी आपके साथ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आया और कहे गोविंद
ये जो सितंबर महीना है, नौवा महीना, इस नौवे महीने के 14-15 दिन पे मैं चाहता हूँ कि तुम हम लोगों की मुलाकात कराओ। तो मैंने पूछा किसकी, तो मुझे सोचा कि आदरणीय बालाजी ठाकरे इतने बड़े, इतने ऐसा व्यक्तित्व है कि मुझे से क्या आवश्यकता ही नहीं हो सकती, परंतु कहे कि मैं तुम ही से चाह रहा हूँ। मैं घर में गया तो मुझे कहे कि मैंने पूछा किससे, तो कहे मैं अटल बिहारी वाजपेयी से तुम्हारे साथ में चाहता हूँ कि उनके साथ में मिलना चाहूँ। मैं कहा अच्छा, मैं प्रयत्न करता हूँ। मैं आदरणीय अटल जी से मिला तो मुझे उनकी स्टाइल में कहे गोविंद वो बहुत बड़बोले हैं, कहीं हमसे ऐसा वैसा कह देंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं कहा कि वो मुझे वचन दिए हैं, वो आपके लिए एक शब्द नहीं कहेंगे, मैं आप प्रॉमिस करता हूँ। उसके पश्चात उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में 10 वर्ष आप लोग साथ में राज्य में राष्ट्र में राज्य करते थे, परंतु मैं छोटा मोटा राज्य में फील्ड लाइन में देख पाया, आपकी कृपा थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कृपा, ये प्रेम और छोटे बच्चे लोगों के लिए कि प्रेरणा मिले, ऐसे तो उनके पास बहुत सारे बड़े व्यक्ति होंगे जिनके माध्यम से वो मिल सकते थे, परंतु क्या बात थी मुझे नहीं पता कि उस समय क्या विषय था, परंतु ये मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। मैं आज धन्यवाद देता हूँ उस दिव्य आत्मा का और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे लोग वैसे ही आगे निकलेंगे और वैसे ही आप लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे, हम लोग के बच्चों का ख्याल किया करेंगे। चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ उस दिव्य आत्मा के लिए और प्रार्थना करता हूँ। बता दिया अगर क्या पहन के आने वाले। जरा जोरदार तालियां हो जाए ये आज के इस घड़ी को साधते हुए, एक बहुत ही बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए होने जा रहा है और उसके लिए ये मेडिकल एड के लिए जो अमाउंट दी जा रही है मुक्ति फाउंडेशन की ओर से। ड्रॉ किया हुआ पहला कॉमन मैन है, इसके हमने ट्रॉफी बनाई है जो कि आपके घरों में रहेगी, जो साहब ने, साहब का क्या बोलते हैं, उपजत जी जी, थैंक यू सो मच।